से गुजारिश है बाबा से बलंद सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मतलब अलहदा फरमाएं, खास तवज्जो से चाहता हूँ। जो कहे याली मदद क्या है, तवज्जो चाहता हूँ, अलहदा फरमाएंगे, जुड़ जाइएगा। जो कहे याली मदद क्या है, जो कहे याली मदद क्या है, उसके ईमान की सनद क्या है, जो कहे उसके ईमान, उसके ईमान की सनद क्या है, हम बढ़ा देते हैं अगर हद से, हम बढ़ा देते हैं अगर हद से, तुम बता दो अली की हद क्या है, बता दो जो कहे याली मदद क्या है, उसके ईमान की सनद क्या है, हम बढ़ा देते हैं अगर हद से, तुम बता दो अली की हद क्या है, तुम बता दो। सरकार देखेंगे, खुदा है खुदा का भी एक नाम अली है, खुदा का भी एक नाम अब बताओ के इसकी रद क्या है, अब बताओ के इसकी रद क्या है, जो कहे सलवात पढ़ ले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि इसके बाद जैन भाई को भी पेशानी करना है, ताखिर वैसे भी हो चुकी है, और जब मौलाना तशरीफ ले आए तो ज़्यादा पेशकानी होनी भी नहीं चाहिए। एक सलवात पढ़ ले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, लेकिन उनको बैठा के पेशकानी करना अच्छा भी नहीं लगता। बस एक मतलब दो शेर और फरमा ले, तवज्जो चाहता हूँ। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम लोग जो हैदर के वफादार होते, तवज्जो चाहता हूं, फरमाए, हम लोग जो है तरीके वफादार न होते, इंसान भी कहलाने के हकदार न होते, इंसान भी
कहे नानके। अब ये शेर आपके हवाले मुलाजा फरमाए, बहुत अच्छा सुन रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना, खास तो जो चाहता हूँ देखेंगे। इंसानी भी कहे नानके हकदार न होते हम खुद में जाने को भी तैयार न होते हम खुद में जाने को भी तैयार न होते हसनैन अगर खुल्द के हम खुल्द में जाने को भी तैयार न होते हंसने अगर खुल्द के सरदार न होते बतलाता मजा हमें हुब अली का सूली पे अगर मीसा में तमार न होते सूली पे अगर मीसा में तमार न होते सोचो तो जरा हशीर में बरसख लहद में क्या होता अगर है दरे गर्रार न होते क्या होता अगर है दरे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।